चलिए साहब, मेरे साथ अब तो हमारे बड़े भाई, बड़े भाई की तरह हैं, अजय भदौरिया साहब हैं। और मैं यहाँ 3 हफ्ते पहले से, हम और हमारी टीम आई हुई है, तो साहब से मुलाकात हुई 3 हफ्ते पहले से। और एक तो ये अपने गांव के पास के हैं, सबसे बड़ी बात है, आगरा के पास के हैं हम, मेरठ के। और बातचीत करने से इंसान का व्यवहार और उसका पता लग जाता है गहराई। तो अजय साहब से जब से पहली बार से मिले हैं, तब से बड़ा दिल लगा हुआ है। इनका इंट्रोडक्शन तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, ये एक इंटरनेशनल फेम के वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं, दुनिया भर में घूमे हैं, भारत का इन्होंने वो कर रखा है, रिप्रेजेंट किया है, यूपी के कैप्टन रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और अब पुलिस के एक बहुत बड़े पद पर हैं। तो ये तो एक बड़ी पर्सनल सी बात होगी, इसमें तो पुलिस का कोई ज़्यादा किस्से कहानी नहीं, लेकिन मैंने इनसे इतने खूबसूरत किस्से सुने तो मेरा बड़ा मन करा कि सर का एक रिकॉर्डिंग करी जाए, ताकि हमारे बच्चों को भी देखने को मिले कि हम यहाँ कैसे कैसे महानुभावों के साथ मिलजुल रहे हैं। तो अजय सर, अपने बारे में जो बता सके। मेरा नाम अजय भदौरिया और इतिहास के बड़े प्रेमी हैं, सबसे बड़ी बात। मेरा नाम अजय भदौरिया है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया था और मैं वॉलीबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। और भगवान की कृपा से ये कोरोना ड्यूटी में मुझे एक बने छोटे भाई से मेरी मुलाकात हुई त्यागी से। वैसे मैं बहुत ही अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन इनके मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित इसलिए हुआ कि ये जिनकी रोडे कंपनी थी तो ये हमारे साथ काम कर रही थी, तो 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं कुछ हुआ, लेकिन इनका जो है, जो मैंने काम देखा तो इनके प्रति मेरी जो है प्रेम भावना मेरी लगी, तो चर्चा हुई। तो ये चूंकि मेरी ऐसी इनका भी बैकग्राउंड है, हम लोग जनपद आगरा के बटेश्वर के पास के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो हम लोगों का एक ही थोड़ा वो है कि अच्छा काम करने की और ऐतिहासिक थोड़ी सी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों से मिसने। तो फिर जब मेरा मनीष भाई से बात लगातार होती रही तो फिर मनीष भाई से हमारा थोड़ा सा स्नेह भी हुआ और हम दोनों का जो है डेली खाना वाना भी सब ऐसे मनी कर, लेकिन साथ में खाना भी रहा, तो मैं इनसे बहुत सीख रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि इतिहास के बारे में, चूंकि हम लोग गाँव के रहने वाले हैं तो हमारा जो क्षेत्र चंबल घाटी के हम लोग रहने वाले हैं, तो मुगल काल से एक्चुअली राजपूत जो है मुगल काल से हाईलाइट हम लोग हुए हमारा जो परिवार, और बटेश्वर में जब उन्होंने अटैक किया तो हमारा परिवार जो है वहाँ से जो करके चंबल में रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत स्थिति, वहाँ पर जो पानी पीना भी एक काम है और जो बेहड़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ संघर्ष जो है वहाँ पर जैसे माधव सिंह, मान सिंह जैसे डकैत वहाँ पर हुए, या फिर लिट्टी में बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफसर रहे। तीसरे वहाँ पर खिलाड़ी बहुत निकलते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट में 4 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार है, विजय सिंह चौहान, एक मेरा छोटा भाई अजीत भदौरिया, और जो है एक सरदारजी हॉकी के हमारे साथ स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे। तो वहाँ पर जो है एक तहसील में 4-5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होना एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात होती है। तो अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है सर से हमारी बात हो रही थी, सर मनीष भाई, अब सर चूंकि मनीष भाई हमारे छोटे भाई है, लेकिन चूंकि इनकी मेरे दिल में इतनी इनका सम्मान हो गया है, वैसे तो मैं बेहड़ का आदमी करता वरता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा, इनके मैं इतना प्रभावित हूँ कि हमारा इनका भाई की तरह ही हो रहा है। तो चूंकि अब ये वर्क ऐसा है, हम लोगों का समय मिला है, तो हम लोग जो है इस पर चर्चा, एक ऐतिहासिक चर्चा करना चाह रहे थे कि हम लोगों का बैकग्राउंड, जैसे हम लोग चंबल रहने वाले हैं, तो हमारा एक बटेश्वर जगह है, बटेश्वर में जहाँ पर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ है, वहाँ पर 100 हमारे राजा भदौर ने जो है 101 मंदिर बनवाए थे, जो अब टूट के करीब 40 मंदिर वहाँ पर अभी भी हैं, और वहाँ पर जमुना के किनारे जो है बहुत ही बटेश्वर एक पौराणिक स्थान है, और वहाँ पर भगवान कृष्ण के बाबा जो है उनको, वो भी उनके वहाँ रहे पहले, बहुत पहले कई ईस्वी पूर्व, तो वो बहुत ही पवित्र जगह है। तो मैं चाहूँगा कभी मौका मिला तो अपने मनीष भाई को बुला करके मेरी दिली इच्छा के मैं दिली इच्छा के मैं उनके दर्शन कराऊँ और चंबल का जो उनको घुमाऊंगा, ये मेरी एक मैं वादा किया है, और भगवान करे मैं वादा करता नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो है 2-4 महीने के अंदर मैं बुला करके ये नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है। और मैं जो अजय भाई से जो बातें पूछना चाह रहा हूँ, जो इनका जो इंटरनेशनल करियर रहा, देखिए अपने आप में एक खिलाड़ी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कदकाठी भगवान बहुतों को दे देता है, लेकिन उस कदकाठी का सही इस्तेमाल करना, मुझे कैसे पता लगा कि साहब खिलाड़ी हैं कि बैठे रहते हैं, हम आते जाते हैं, तो मैंने एक दिन सर से कहा कि सर आप जरूर खिलाड़ी रहे होंगे, तब इन्होंने बताया, नहीं तो ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं अपने, मतलब नहीं तो आदमी इन्हों बड़ा फेंकता है कि साहब हमने ये किया वो किया है। तो एक उनकी जो खूबसूरती रही कि एक जो खिलाड़ी के अंदर जो खुशबू होती है ना प्रेम की, और हर चीज़ को एक जंगजू बन के मैदान में उतरना, जीतना लेकिन दिल पर नहीं लेना, वो सारी खूबियाँ जो हैं अजय साहब में हैं।
तो जरा सा मैं चाहूंगा कि अजय साहब अपने जो जैसे बचपन की अभी हम किस्से सुन रहे थे इनके इनके बाबा के, तो मैंने कहा यार ये कहानी रिकॉर्ड करने लायक है, तो जरा वो बचपन जो आपका गुजरा अपने बाबा के साथ और उससे आप अंदर जो जो भी भावनाएं जगी, जो भी कैरेक्टर बन चन्मा जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे क्षेत्र में जो पिता जो होता है पुत्र को बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं मारता है, वो उसी तरह रखता है। तो हमारे पापा जी पुलिस में थे, तो मुझे बचपन मेरा जो हमारे बाबा के साथ गुजरा, तो बाबा हमारे बदन सिंह थे, वो ठाकुर साहब थे, कोई काम वाम तो नहीं करते थे, लेकिन सुबह जो है बड़े रॉयल किस्म के व्यक्ति थे, वो दो तीन काम करते थे, एक तो पंचायत करना उनका शौक था, दूसरा उनको पढ़ने का बहुत शौक था, थे तो गांव में, लेकिन उस समय जमाने में कादम्बिनी और सुयोद रूस मेरे गांव में आया करती थी और अमर उजाला हुआ था। मतलब ये बात जब मैं 62 का मेरी पैदाइश है तो 70 दशक में याद है, उससे पहले तो मुझे याद नहीं है, तो 70 में मेरे यहाँ जो है घर पर कादम्बिनी और सुयोद रूस और अमर उजाला जो आता था। तो बाबा को हमारे जो है जैसे रामचरितमानस, तो जब मैं कक्षा 4 में जब मैं छुट्टी हो गई तो उन्होंने कहा चलिए तुम बोले के आइए, रामचरितमानस पढ़वाया उन्होंने मुझे सबसे पहले, और जो है महाभारत में जो है राम जो है उसकी भागवत की उन्होंने हमें बताया। तो चूंकि अब गांव होता क्या था, तो मैं बहुत बचपन में छोटे बच्चों के साथ नहीं खेला, तो मैं उनका शिष्य हुआ करता था, उसको जगता था, तो उनके लिए चाय ले जाना, उनको देना, उनके पैर छूना, तो जो वहाँ की इनकी जैसे मना वो फिर वो पंचायत में करना, तो मेरा जो बेसिक जो रहा जो है मैं अपने फादर से ना होकर के मेरे बाबा से ही जो कुछ मैं सीखा। तो उसके बाद में फिर मैंने कक्षा 8 पढ़ के मैं फिर नैनीताल चला गया, मैंने वहाँ पे काशीपुर से मैंने हाईस्कूल किया, फिर हाईस्कूल के बाद इंटर मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से किया, उसके बाद मेरे खेल की वो स्टार्ट हो जाती है, और मैं इलाहाबाद में जब गया तो मैं 80 में नेशनल खेला, उसके बाद बहुत बढ़िया है सर। तो 80 दशक में सबसे पहले मैं सर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हमने जो है मैं तरफ खेला और ऑल इंडिया में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है गोल्ड मेडल दिलवाया। उसके पश्चात में 81 में मैं श्रीलंका टूर किया, श्रीलंका टूर में 7 टेस्ट खेले, हमारे कप्तान श्री रणवीर सिंह जी थे जो रिजर्वाड़ी थे, और उसके बाद फिर मैं 82 में फिर वहाँ पर नेशनल हमारा जो एक जो हरियाणा में हुआ था वहाँ पर बहुत अच्छा खेले, एसी गेम्स के टाइल्स गेम में था, करीब लगातार मैं 14-15 नेशनल खेला, और स्पोर्ट्स में जो है हम लोग उसके बाद फिर पी पुलिस में मैंने प्लाटून कमांडर 84 जो लिया एज ए प्लाटून कमांडर, पुलिस की तरफ से मैंने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मैं प्रतिनिधित्व किया, इंडियन पुलिस गेम्स से खेला, नेशनल में गोल्ड था इंडियन पुलिस की तरफ से, तो काफ़ी मतलब जो है इसी के उसमें मेरा छोटा भाई भी अजीत भदौरिया वो भी जो है वो डिस्कस थ्रोअर था, उसने 62 मीटर डिस्कस फेंका और वो जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में भी रहा, उसके बाद वो टाटा स्टील में जो है उसने ज्वाइन कर लिया था, उसको अजन अवार्ड 1995 में उसको अजन पुरस्कार मिला। तो चूंकि बैकग्राउंड हमारी जो है उसकी थी, उसके बाद जो है क्योंकि अभी भाई को हमारा जो चूंकि वहाँ का बचपन में तो जो हम लोग जो गाँव में रहते थे तो हमारे बाबा के पास 3 लोग रहते थे, हमारे बाबा के जो है रामदीन बाबा थे उन्नाई और एक जो अली बाबा थे, तो वो गांव का जीवन अब हम लोगों को जो है जब जाते हैं नहीं मिलता है, बहुत मिस करते हैं, वो जमाना बड़ा अलग था और उनसे बड़ा सीखने को मिला आपको। तो और देखिए एक सबसे बड़ी बात हमारा भी बैकग्राउंड जो ही गाँव का ही है, तो जो गाँव में जो चाहे आपके बचपन के 5-10 साल जो गुजर जाए जो वो कैरेक्टर बनता है वो जिंदगी भर निकलता नहीं, ना आप में से निकलेगा ना हम में से निकलेगा। एक्चुअली गांव की मिट्टी ऐसी होती है सर जो उसकी जो है खुशबू आती है, जब जो जाते हैं गांव से और असली जननी जो है हमारी गांव ही है और मिट्टी में सबको आए उसी मिल जाना है, तो मिट्टी का बड़ा महत्व है, हर इंसान जहाँ पैदा होता है उसको लगाव होता है और होना भी चाहिए। आप जैसे मैंने देखा कि अभी आपसे बात हुई तो आप अमेरिका और ये वहाँ जहाँ कहाँ गए, लेकिन जब आप बात करते हैं यार आके तो मुझे लगता है कि यार कितने बाद भी यार ये अभी जो है त्यागी है कोई पर्वत चेंज नहीं हुआ है, तो यू लव टू इंडिया और जो है अपनी जो है मिट्टी माँ है जो उसका जो प्यार करते ये आपकी जो है मानता में आपके पैसे नहीं मतलब जनरली हर आदमी का व्यक्त होता है और आपकी हो सकता है आप में भी क्वालिटी होती तो हमारी आपकी मुलाकात तो ये प्रभु कृपा है और इस मुलाकात का हम लोगों ने बड़ा लाभ लिया लगातार। आपने कोरोना काल में इतना आपने जो आपकी कंपनी ने और आपने जो वर्क किया है मैं आई एम वेरी अप्रिशिएट टू यू एंड योर कंपनी। चलिए अजय साहब एक बात और जय साहब की जो हमें बड़ी खूबसूरत लगी, ये बड़े भक्त आदमी है और मतलब खैर एक तो कृष्ण भूमि से हैं तो वहाँ तो वो यमुना का पानी पी के हो ही जाना है, लेकिन मैंने इनको देखा है कि जैसे एक तो टाइम से पहले आ जाते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, टाइम की पाबंदी जिस इंसान में होती है ना वो देख के ही खूबसूरती लगती है, फिर
शांत बैठे रहेंगे, जब कोई फोन आएगा अपने काम से काम, किसी का लेना एक ना देना दो, और अपने आप में जो भी आपकी भक्ति का चिंतन मनन जो भी आप करते रहते होंगे वो एहसास हो जाता है। कि जैसे मैं कहता हूँ कि संत के लिए ऐसा नहीं कि आप गेरुए वस्त्र पहन के घूमें, संत किसी भी आपको वेशभूषा में मिल सकता है। तो हम तो आपको उसी से देखते हैं कि जिस तरह से बैठे रहते हैं ना, ऐसा लगता है देखिए उन्हें भाई ऐसी, ये मेरी नहीं, ये आपकी बड़प्पन हुआ तो आपने खोजा, मैं तो चुपचाप रहता था, मैं तो पुलिस वाला था तो मैं ज्यादा वो नहीं करता। तो ये मैं तो कहूंगा आपकी जो है आँख की जो दृष्टा है, आपने आपने वो अलग चीज देखी और ये ही आदमी की जो है आगे ले जाता है। वैसे बहुत से लोग हमें यहाँ पे, हमारी इतनी किसी हलवाई नहीं होती आपके अलावा, आपकी कंपनी में 40-50 लोग काम कर रहे हैं उसी भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उनसे प्यार नहीं है या उनसे वो नहीं है, पर आपसे टेंशन क्योंकि आपने जो है देखा, आपको उसका अनुभव है। तो ये जीवन जो है ना, एक ये अनुभव से ही बनता है। तो बात तो रही पूजा पाठ की, तो पूजा का क्या ऐसा है कि हम लोग जो कल्चर भारत है, तो भारतवर्ष का एक संसार में जो भी बाहर जाने का, मैं पूरा भारतवर्ष घुमा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा हूँ, हर जगह गाँव गाँव की मुझे नॉलेज है, और बाहर भी खेलने का मौका मिला, और क्योंकि पुलिस ऑफिस में है तो पुलिस का काम भी सेवा करना है। तो मैं मेरा ये राज जीवन में कि जो अनुशासन जो है, आदमी सेल्फ अनुशासित होना चाहिए। भले ही लोग कहते रहे पुलिस जो ये करती है वो करती है, मैं आई लव टू पुलिस माई बर्दी, मैं खाकी बहुत प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैंने ONGC नौकरी छोड़ करके मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन किया। उसमें मुझे, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी था, मुझे 4-5 नौकरियाँ मिल रही थी, लेकिन मुझे चूंकि इससे प्रेम था तो मैंने इसे ज्वाइन किया। और जब आप अपने दिल से जो कब करना चाहते हैं तो फिर वो काम कर ही लेते हैं। तो पुलिस में मेरा आने का मतलब यही था कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। तो उसी जज्बे से मैंने काम किया भी, जो लोग जानते हैं मैं जनाने कुछ नहीं करता, लोग जो जानते हैं वो तो जानते हैं जो ये क्या है। और ये एक चीज़ मैं और थोड़ी सी ऐड कर दूँ, मे बी आई एम स्ट्रेचिंग माई सेल्फ, कि यहाँ पर मुझे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला, पुलिस के, सिविल के, रोड के, और इतने मेहनत कश लोग, जैसे अब बाहर रह के ना लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है, इतने ईमानदार और मेहनत कश लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती रही या इस दफ्तर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि हर आदमी अपने आप में एक हीरा है, एक्सपीरियंस का, कैरेक्टर का, एथिक्स का, डिसिप्लिन का, टाइम की पाबंदी, प्रेम भाव, इको सिस्टम बना के रखना, जिसको कहते हैं ना कि जो एक अच्छे लीडर में और अच्छे बड़े में जो बड़प्पन दिखना चाहिए वो यहाँ पर हमें हर इंसान में दिखा। तो अजय तो खैर बड़े भाई जैसी अब इनके साथ वो है, लेकिन और भी जो अधिकारी हैं, पॉल सेंसर हैं, प्रशांत सर हैं, यू नो बाकी सबके, अब यहाँ हम लोग अब यहाँ पर अब जैसे सभी लोग अच्छे हैं। अब जैसे हम लोग जैसे एसी एसर सर काम कर रहे हैं, मुझे मौका मिला तो हम लोग सोचते थे बड़े अधिकारी, लेकिन 18-18 घंटे काम लोग कर रहे हैं, मतलब कमांड डिवीजन, मतलब हम तो लोग 8-10 घंटे में चले जा रहे हैं, और रात में भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, और आपने मैनेज किया। तो यही सब जिंदगी का अगर कोई वो मतलब है तो यही है, और यही रह जाता है, बाकी हर आदमी को जाना है, सबको मिट्टी मिल जाना है, ये सब वो है। तो असली चीज़ सर जो आपने, आपके अंदर जो अनुभव है, आपकी जो निगाह है, आपको क्या देखना क्या वो आप पा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये मेरा अनुभव है, मेरी, मैं 59 ईयर्स ओल्ड हूँ, कि आदमी अगर तमन्ना उसकी है दिल से करना तो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कुछ भी कर सकता है। इसी में राम है, इसी में हनुमान है। ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने किया है, जो मैंने किया है वो मैंने, मैं जो ये मुझे विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ संसार। और मैं ये तो खैर एक ब्लॉग है, फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा एक, कि सर ने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए हैं अजय साहब ने, कि जो पुलिस में जैसे जो फिल्मी तरह जैसे लोग फिल्मी सोचते हैं ना, वो इन्होंने जिंदगी में होगा और देखा है। तो ये एक अलग से रिकॉर्डिंग ऐसा है भाई साहब, जैसे अब पुलिस को काम कर रहे हैं तो पुलिस में अब जब कर रहे हैं तो काम तो करना ही है, तो उनमें से कुछ ही ऐसी होती है याद रह जाती है जिंदगी में। तो जिंदगी में जैसे ऐसा चैलेंजिंग जो होता है बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं CEO कैसरन था, तो एक डकैती हुई दिन में 6 बजे, तो बड़ा हमें कष्ट हुआ, लोग जो है हमारे अधिकारी भी नाराज और ये भी, और जो है पब्लिक ही बहुत परेशान, मैं भी परेशान था, लेकिन मैं क्या करता, सारे डकैती हुई दिन में हुई, तो धीरे धीरे मैं लगा रहा, लेकिन मैं सही वहीं पहुंच पाए 10-12 दिन हो गए। तो DI साहब आए थे, उन्होंने कहा जब तुम नहीं कर पाओगे तो इसको खोलना बहुत जरूरी है। तो मैं ठीक उसे लगा हुआ था, एक दिन मेरा एक इंस्पेक्टर राव थे, उसका फोन आएगा, जैन सर क्या हाल है सर, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैंने यार क्या बताऊँ यार, साला दिन में डकैती हुई, भैंसिया रहना ही बेकार हमारा। तो उन्होंने कहा यार इस तरह की डकैती जो है साले जो लखीमपुर खीरी में रहते हैं वो लोग करते हैं, तो आप लखीमपुर खीरी चले जाओ और उनमें से एक दो मिल जाओ तो तुम जरा रिपोर्ट कर लो। तो मेरे दिमाग में आया सही कह रहा है, तो मैं दो, ये 2 बजे की बात करी है, 1:30 बाद में बैठा हूँ। तो मैंने कहा ठीक, मैं गया, मैंने लंच किया, मैंने इंस्पेक्टर थे हमारे, एक पंडित जी थे वहाँ पे, तो मैंने उनको लिया और मैं सीधा वो वहाँ चला गया। मैं वहाँ पहुँचा थाने में, बताया मैं इस तरह से आया हूँ, मैं
तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है चले जाइए देख लीजिए, उनको इन्फॉर्म करके मैं वहाँ पहुँचा तो वो तो नहीं मिला, लेकिन एक उनमें से एक बच्चा मिल गया, उन्होंने 2-3-4-5 नाम दिए। तो उस बच्चे से हमने को उठा चलिए बात बात करनी है, हम उसको लेके आए सर। तो जब लेके आए वहाँ पर तो वो तो उसमें नहीं था, लेकिन उसने कहा सर ऐसा है, उसने हमारे उसने एक जो है उसको चांटा मारा, बोला कि ब्राक कि मैं तो नहीं था लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ, अगर उसे वो हो सकता है। तो मैंने ठीक है, तो रात के 2 बज गए थे, तो मैंने कहा चल तू ऐसा उसको लिया मैंने, फिर गए उसको गए जिसका आदमी वो आदमी जो है मिला नहीं हमको, मतलब फिर सुबह गए वो तो जो है वो खेत में हमको मिल गया। अब किसी को एकदम अचानक वो करना भी एकदम आईडी रहता है तो उनको देख के भाग जाएगा। तो हम लोग वहीं पर गए, अभी इधर से गया तो वहीं पर हम लोग वो उसकी जो है वो लगा दिया, मतलब उसका आएगा बीच में हम लोग बैठे, जैसे ही आए उसको मतलब लिया। तो वो यार वो मुस्लिम था तो बोला कि देखिए अब हमारा खराब समय आ गया है, आप कुछ मत करिए मैं सब चीज़ बताऊँगा। तो उसने पूरी जो है जिस डकैती 3 जगह गाँव में पड़ी थी तो तीनों जगह बताया मैंने, ऐसे यहाँ ये लोग थे इन्होंने ये ऐसा किया, हम 3 दिन पहले रेकी किए थे वहाँ बाहर बैठ करके, तो उसके बाद फिर हमने गिर में लगा कर भी यहाँ से इतना लिया वहाँ से इतना लिया ये वो पूरी एक बात बताई, उसको मैंने नोट किया। और फिर मैंने 10 दिन वहाँ रह करके छापा डाल करके मैंने उनको सबको मैंने वो जो है सब माल रिकवर किया और उनको पकड़ा। उसके बाद हम लाए तो बड़ा हमको बड़ा खुशी हुई जब ये खुली, तो अच्छे काम जब पुलिस में लगता है तो सभी को आनंद आता है। नहीं सर देखिए इतना बड़ा देश है, इतना विविध है और इतना ये जो व्यवस्था चल रही है, ये जो आप जैसे लोग अफसर और सब लगे हुए हैं इसी के कारण चल पा रही है। तो कोई नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं लगे सब लोग, हम ही नहीं सभी लोग लगे रहते हैं। अब ये है कि वही आपकी बात है कि आपकी हर चीज है भारतवर्ष में, ये सोने की चिड़िया है, अब आपको क्या देखना क्या लेना वो डिपेंड ऑन यू, ये आदमी की क्या की रही भावना है किन पाई तू। तो ऐसा नहीं है पुलिस में, मैं तो पुलिस को बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं ज्वाइन भी किया और मैं अगले साल दिसंबर रिटायरमेंट भी है मेरा, तो बड़ा आनंद लिया मेहनत किया। बहुत बढ़िया, चलिए अजय साहब भाई साहब बड़ा मजा आया आपसे और मैं फिर से बनाऊंगा एक दिन व्लॉग, आपके इतने किस्से हैं धीरे धीरे। थैंक यू चलिए साहब ये थे हमारे अजय भाई साहब और फिर से इनकी रिकॉर्डिंग जारी रहेगी, मैं कई इनके इतने खूबसूरत हमारी। तो हम लोग खाली होंगे तो एक बार हम आपसे निवेदन करते हैं, आज हम आपको 6 महीने पहले ही हम दे रहे हैं, जब भी मौका मिले एक बार हम आपको जो है बटेश्वर और जो है चंबल हम होने के चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम दोनों को आनंद आया क्योंकि हमारी आपकी सोच जो है काफी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, खुश रहें आप और इसी तरह देश के लिए राष्ट्र के लिए काम करते रहें और अपनी कंपनी के लिए हमेशा झंडा ऊंचा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।